हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। रिजल्ट आ चुका है, 31 दिसंबर को आया है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए जाके साइट पर, और अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप 2020 का नेट या JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेपर के अलावा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो कि सेकेंड है, अगर आपका है तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहले के वीडियोज़ दिसंबर, उससे पहले के वीडियोज़ हैं। आपको क्या करना है, उन सारी की सारी वीडियोज़ को देखने हैं, उनसे नोट्स बनाने हैं और स्टडी करना है। इसके अलावा जो न्यू वीडियोज़ आएंगे सोशियोलॉजी के, उन्हें उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा उनमें जिन्हें पिछली बार नहीं कर पाए थे, छूट गए थे। और जिस तरीके से दिसंबर के एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी के पेपर में देखने को मिला है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है और जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको देखना है। तो आइए बात करते हैं सोशियोलॉजी की। ये फर्स्ट वीडियो है इधर जो 2020 के लिए आई है, उससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उन पर वीडियोज़ आ रही थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये जो आया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, इस वजह से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसके तहत भारत ने ODF खुले में शौच मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों को ODF घोषित किया गया है और अन्य शहर भी इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ODF बन गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम टोटल की बात करें तो 4372 में से 4320 शहरों ने खुद को ODF घोषित किया है, जिनमें से 4167 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को एक सफल परियोजना बनाने के लिए विभिन्न पहलें भी शुरू की गई हैं। इनमें परियोजनाओं के बारे में बात करें तो ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल हैं। ODF की बात करें तो सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यात्मकता और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना है। ODF प्लस के बारे में बात करें तो व्यक्ति को खुले में शौच या मूल त्याग नहीं करना चाहिए। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और साफ सफाई की बात की गई है। ODF प्लस प्लस में बात करें तो जो शौचालयों हैं इनसे मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने और सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है, और ऐसा कोई भी अशोषित कीचड़ खुले नालों, जल निकायों या खुले में ना बहा दिया जाए, इस पर भी ध्यान देना है। अब तक 819 शहरों को ODF प्लस और 312 शहरों को ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है। तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ये जो नाम है ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, ये जो भी है ODF है, इनमें किस किन बातों को रखा गया है इनको याद रखना है। ठीक है, वाटर प्लस की बारे में बात करें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वाटर प्लस प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया कि किसी भी अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले वातावरण या जल निकायों में ना बहाया जाए। ठीक है, गूगल के साथ भागीदारी भी की गई है। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है गूगल के साथ भागीदारी की है। इसमें सार्वजनिक शौचालयों की मैपिंग करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है ताकि नागरिकों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बात करें तो वर्तमान में 96% वार्डों में डोर टू डोर संग्रह द्वारा कुल उत्पन्न अपशिष्ट का लगभग 60% संसाधित किया जा रहा है। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल या 12 मापदंडों पर आधारित है जो एक स्मार्ट फ्रेमवर्क का पालन भी करता है। रेटिंग के अनुसार देखें तो 4 शहर जिनमें MP का इंदौर है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और कर्नाटक का क्या हो जाएगा मैसूर, इनको 5-स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो आपका ये पूरा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो 57 जो शहर हैं इनको
थ्री स्टार और चार शहरों को वन स्टार शहरों के रूप में भी प्रमाणित किया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 2019 के स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 3,200 शहरों में 1,06,000 से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 7 करोड़ से अधिक शहरी निवासियों ने भागीदारी की और 7,700 मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2020 से शुरू होने वाला है और यह 31 जनवरी 2020 तक भी रहेगा। तब तक रहेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके अंतर्गत भारत के शहरों एवं कस्बों में स्वच्छता अथवा साफ सफाई का तिमाही आकलन किया जाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक अभिनव सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ताकि विभिन्न सफाई और स्वच्छता संबंधी मापदंडों पर शहरों की रैंकिंग की जा सके। यह जो सर्वे है स्वच्छता की अवधारणा के प्रति स्वस्थ प्रतिबद्धता की भावना वाले शहरों को प्रोत्साहित करने में सफल है। 2016 में अपने पहले दौर में स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 73 शहरों में किया गया था। 2017 में 434 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में बात करें तो 4,203 शहरी स्थानीय निकाय और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में 4,237 शहर शामिल थे। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि कितने शामिल किए गए थे, ठीक है, शहर। आगे बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 इस मायने में अद्वितीय था, इसमें सेवा स्तर का मूल्यांकन पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस था। यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण जिसमें लगभग 43 करोड़ शहरी लोग शामिल हैं और दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। तो फ्रेंड्स, इतना इम्पॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट्स हैं आपको लिखने हैं पेपर में और याद करने हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप आराम से याद कर सकते हैं किसके मंत्रालय द्वारा किया गया है, कब कब कितने शहरों को शामिल किया गया है, कब शुरू हुआ था, ये सब याद रखना है। और जो स्टार्स मिले हैं शहरों को उन्हें याद रखना है, जो स्टेट्स हैं उनके जो शहर हैं इन्हें जो शामिल किया गया है उन्हें स्टार उन्हें याद रखना है, ठीक है। किसके साथ गूगल के साथ भागीदारी की है, ये वाटर प्लस क्या है, ODF क्या है, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है, इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया था, इन सबको याद करना है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अभी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, अभी आपके पास काफ़ी समय है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया है और इस चैनल के साथ आपने स्टडी किया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।